हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रदितिमन में। जैसा कि आप सभी जानते हो, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया है। पूरी भर्ती जो है वो टीजीटी, पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की, हॉस्टल वार्डन की, सभी की आ गई है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो सभी जो है वो फिल करें। 6329 परमानेंट पोस्ट है, केवल टीजीटी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एज, योग्यता, किस तरीके से जो है चयन प्रक्रिया होगी, सिलेबस क्या रहेगा टीजीटी का, तो ये सभी बातें मैंने आपको बताई थी। कैसे अप्लाई करना है आप लोगों को, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को खास छूट मिल रही है एज में। साथ में एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की जो है यहाँ कोई भी फीस नहीं लग रही है, और जिस भी राज्य से आप अप्लाई करेंगे तो वहां के लिए जो भी आरक्षण है आप लोगों को, तो वो सभी आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर जो है वो क्या रहेंगे, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मेन वेबसाइट जो है उसके लिए आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे emrs.tribal.government.in। ये पेज जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। न्यूज फ्लैश में आप देखेंगे, यहाँ आपको नजर आ रहा है न्यूज फ्लैश, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अभी जो बिल्कुल न्यू अपडेट है, जैसे कि टीजीटी हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन के साथ में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर रनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं, और अगर आपको पीजीटी के लिए या अदर सब्जेक्ट के लिए भी देखना है तो यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही जो है नेक्स्ट जो पेज ओपन हो गया है यहाँ पर, तो सभी चीजें जो है आपके सामने शो हो गई हैं। अगर आपको नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ थर्ड नंबर पर जो टाइटल है वहां क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी। प्रिंसिपल के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ करना पड़ेगा, अभी डेट नहीं निकली है, 31 जुलाई रहने वाली है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप लोगों को कंप्लीट यहां पर नोटिफिकेशन मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल मिलेगी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट से संबंधित कितनी वैकेंसियां हैं, टोटल 38,000 समथिंग जो है यहां पर फिल होंगी। उसके बाद जो है टीजीटी का सिलेबस और हॉस्टल वार्डन का सिलेबस, ये बिल्कुल अभी आया है, और टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन है। तो अप्लाई जो है वो आप लोगों को कैसे करना है, तो एक एक करके जो है ये लिंक जो है जो दिए हैं इनको आप ओपन करेंगे। यहाँ पर जो है ऑल सब्जेक्ट के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं किसी के लिए भी, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज जो है वो क्या रहने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए भी बाउंडेशन नहीं है, सभी अपने राज्य के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर जैसे कि स्टेट है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी जो है वो रहेगी आपकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसी तरीके से कोई बिहार का स्टूडेंट है अगर, तो बिहार का स्टूडेंट जो है उसका एग्जाम पटना में होगा। चंडीगढ़ का अगर है तो उसका एग्जाम चंडीगढ़ का होगा, ठीक है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का रायपुर में होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हरियाणा के जो भी बच्चे हैं, जो भी अप्लाई करेंगे, चाहे टीजीटी के लिए करें, चाहे पीजीटी के लिए या अदर सब्जेक्ट के लिए, तो उनका सेंटर चंडीगढ़ में पड़ेगा, यानी यहाँ आप जो है एग्जाम देने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे मध्य प्रदेश है तो उसका जो है वो भोपाल में होगा एग्जाम। राजस्थान के जो भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम जो है वो जयपुर सिटी में होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश वाले जो हैं उनका एग्जाम होगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ में होगा, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम सेंटर हैं। तो अगर आप किसी और स्टेट से भर रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश से जो है वो आप भरना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपका एग्जाम भोपाल में होगा। कोई स्टूडेंट जैसे राजस्थान का है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में आता है तो वो कहीं से भी फॉर्म भर सकता है, उसके लिए सारी चीजें समान रहेंगी। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का कोई स्टूडेंट है और आरक्षित वर्ग में आ रहा है तो उसको अपने राज्य से ही भरना चाहिए ताकि उसको आरक्षण का फायदा मिले। तो यहाँ पर जो वुमेन के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ वुमेन जो है वो सभी फॉर्म भर पाएंगे, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो या अदर सब्जेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन है ऑल कैटेगरी की, तो टीजीटी पोस्ट के लिए इनको 10 साल की छूट मिल रही है, यानी 35 साल तो आपकी जनरल कैटेगरी की एज है, और साथ में 10 साल इनको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 45 साल तक जो है वो आप फॉर्म भर सकती हैं। पीजीटी में अगर मैं कहूँ तो 50 साल तक की सभी महिलाएं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, सभी 50 साल तक की जो है महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अच्छी चीज है यहाँ पर, क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वुमेन जो है यहाँ पोस्ट को फिल करें, तो ऐसा जो है वो टारगेट भी रखा गया है। तो आप सभी जो है यहाँ पर फॉर्म भरें जो भी एलिजिबल हो। तो और भी जो है न्यू अपडेट अगर आती है
इससे रिलेटेड, तो वो मैं आप लोगों को जो है टाइम पर बताती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जो भी नोट आएगा कोई भी अपडेट, तो आप लोगों को फटाफट से पता लग सके। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप 18 अगस्त तक जो है वो फिल करें। थैंक यू।